Hello student, good morning. How are you all? Fine? Okay. तो आज हम हिंदी सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं. ओके तो आपने लास्ट वीडियो में देखा कि हम लास्ट वीडियो में वोवेल ए के बारे में पढ़ रहे थे. उसमें पार्ट वन में वोवेल पार्ट ए का पार्ट वन पढ़ा था. उसमें हमने ए लिखना और उससे बनते न्यू वर्ड्स लिखने और बोलने हमने सीखे थे और कुछ एक्सरसाइज भी हमने की थी. ओके तो आज हम वोवेल ए पार्ट टू के बारे में हम पढ़ेंगे. ओके आपकी वर्कबुक में पेज नंबर 37 दिया गया है. ओके तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है चित्र पहचान कर कोष्ठक भरो. यहाँ आपको कोष्ठक दिखाई दे रहे हैं. ओके और उसके बाजू में यहाँ वर्ड्स भी लिखे गए हैं और आपकी वर्कबुक में यहाँ पिक्चर भी दिए गए हैं. ओके तो पिक्चर पहचानना है और यहाँ बाजू में से वर्ड देख के यहाँ बॉक्स में लिखना है. तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट में यहाँ तीन बॉक्सेस हैं. ओके तो यहाँ ऊपर की साइड किसका पिक्चर है, कौन सी सब्जी है? यस करेला है ना. तो यहाँ हम लिखेंगे ऊपर की ओर करेला. ओके और लास्ट जो वर्ड बचा है वो हम नीचे की ओर लिखेंगे. ओके कनेर. कनेर क्या है? एक फ्लावर का नेम है. ओके नेक्स्ट बॉक्स उसमें दो वर्ड दिए गए हैं मैच और जलेबी. तो यहाँ आपकी बुक में ऊपर मैच का पिक्चर है और बाजू में जलेबी का पिक्चर है. तो आपको क्या करना है, ऊपर की ओर जो जिसका पिक्चर है वो आपको ऊपर की ओर नेम लिखना है और बाजू में जिसका पिक्चर है उसको बाजू में उसका नेम लिखना है. वैसे ही यहाँ हम लिखेंगे मैच और यहाँ जलेबी. ओके नेक्स्ट यहाँ है मेला और केला. आपकी वर्कबुक में ऊपर की ओर मेले का पिक्चर है और बाजू की ओर केला का पिक्चर है. ओके तो यहाँ हम लिखेंगे ऊपर की ओर मेला. ला तो ऑलरेडी आपकी बुक में लिखा हुआ है और यहाँ हम लिखेंगे केला. ओके नेक्स्ट एक्सरसाइज छुटा हुआ अक्षर लिखो. यहाँ पे यहाँ आप देख रहे हो बाजू में पूरा का पूरा वर्ड लिखा है और बाजू में फिल इन द ब्लैंक्स हमको करनी है. मानो कि यहाँ एक लिखा है तो यहाँ हम यहाँ दिया गया है कि डैश एक. तो कौन सा अक्षर छूट रहा है? एक. तो यहाँ हम लिखेंगे एक. ओके दूसरा वर्ड है एकाल. तो यहाँ है देश काल. तो यहाँ कौन सा शब्द छूट रहा है? ए. तो यहाँ ए लिखेंगे. ओके नेक्स्ट ठठेरा. तो यहाँ ठ डैश रा. तो कौन सा शब्द फूट रहा है? ठे. तो यहाँ हम लिखेंगे ठे. नेक्स्ट जेब डैश ब. तो यहाँ आएगा जेब. नेक्स्ट लेखक. तो यहाँ है देश ख. तो यहाँ क्या आएगा? ले. बाजू में से ही देखना है और लिखना है कि इसमें कौन सा शब्द खुट रहा है. ओके नेक्स्ट है पे. यहाँ देश ड. तो यहाँ आएगा पे ड. नेक्स्ट मेघक देश ध. तो यहाँ क्या आएगा? मे. ओके नेक्स्ट क्या है? सपेरा. तो स डैश रा. तो यहाँ कौन सा शब्द फूट रहे हैं? बीच वाला यानी कि पे. तो यहाँ हम लिखेंगे पे. ओके उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है कोष्ठक से शब्द चुनकर खाली जगह है भरो. ओके तो आपकी बुक में देखो ऊपर ब्रैकेट में आपको वर्ड दिए गए हैं और बाजू में पिक्चर भी दिए गए हैं. तो आपको क्या करना है, पिक्चर देखना है, पहचानना है और यहाँ
कोष्ठक में से शब्द चुनकर यहाँ खाली जगह में लिखना है। ओके, तो यहाँ है फर्स्ट, देश कड़वा होता है। कौन कड़वा होता है, किसका पिक्चर है? यस, करेला। तो यहाँ हम लिखेंगे करेला। ओके, नेक्स्ट, रमेश देश खा। बाजू में किसका पिक्चर है? जलेबी। यस, तो क्या खाना है? तो खाना है रमेश को जलेबी। तो यहाँ हम लिखेंगे जलेबी। ओके, नेक्स्ट, देश बर्तन बनाता है। बाजू में किसका पिक्चर है? जो बर्तन बनाता है वो, उसको क्या बोलते हैं? ठठेरा। यस, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ठठेरा। जो बर्तन बनाता है उसको बोला जाता है ठठेरा। ओके, नेक्स्ट, यहाँ देश दो पहिया पहियों पर चलता है। तो यहाँ किसका पिक्चर है? ठेला। यस, तो यहाँ हम लिखेंगे ठेला। ठेला दो पहियों पर चलता है। ओके, आ गया समझ में? यहाँ आपने देखा कि छोटा हुआ अक्षर और कोष्ठक में ये वाले फिल इन द ब्लैंक, ये सभी में किसका उपयोग हुआ है? ए का, कि जो ऐसे शुरू होते होने वाले जो शब्द होते हैं, कि ऐसे जो शब्द बनते हैं उसका उपयोग यहाँ किया गया है। ओके, लास्ट एक्सरसाइज, वाक्य पढ़ो और लिखो। यहाँ पे आपको सेंटेंस दिए गए हैं, वो आपको यहाँ गुड हैंड राइटिंग में लिखना है। ओके, मैं सेंटेंस पढ़ रही हूँ। महेश कनेर का फूल लाया, पेड़ पर चिड़िया है, मेले में मिठाई बिकती है, माला शीला की सहेली है। ओके, तो आपने देखा कि ये वाले जो सेंटेंस है उसमें भी अलग अलग यानी वर्ड के कौन से ऐसे शुरू होते हुए वर्ड का उपयोग किया गया है, तो वो आपको क्या करना है? यहाँ गुड हैंड राइटिंग में लिखना है। ओके, तो ये वाला हमारा ए का वोवेल ए चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। घर पे आपको ये चैप्टर गुड हैंड राइटिंग में लिखना है और साथ में लर्न भी करना है। ओके, नेक्स्ट वोवेल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।